अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम निकहत परवीन है और आज मैं आप सभी को वापस से अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग ट्रेंड्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में घी से निकाले हुए मावा की मिठाई बनाना सीखेंगे, ये मिल्क केक बोल सकते हैं इसे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बनाना हम शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें अपना मावा डालेंगे। ये वही मावा है जिसे हम घी निकालते समय निकालते हैं। इसमें हम एक कप मावा लिया तो एक कप दूध लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। लगभग 2 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पीसी हुई नारियल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल लिया था, आप चाहे तो नारियल के बदला मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसी स्टेज में हम इसमें चीनी भी डाल देंगे 1 कप। अगर आपको नारियल भी नहीं डालना है और आपको दूध भी नहीं डालना है मिल्क पाउडर, तो आप भुनी हुई बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाला है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालें। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएं, अगर हम तेज़ फ्लेम में बनाएंगे तो ये जलने लग जाएगा। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये साइड्स भी कढ़ाई के छोड़ देगी। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट भुनने के बाद ये कुछ इस तरह सा हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट को घी से ग्रीस कर चुका हूँ। इसे मैं सेट करने के लिए एक चम्मच की सहायता से इसे अरेंज कर लूँगी हल्का सा प्रेस करते हुए, ताकि बाद में हम इसे अच्छे से काट पाए। इसे हम रूम टेम्परेचर में 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी डाल सकते हैं आधे घंटे के लिए कि सेट हो जाए। देखिए थोड़ा सख्त हो गया है, अब इसे काट देंगे। आप को बर्फ़ी का शेप देना है, बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल आपकी मर्जी है। इसे हमने कट कर लिया है, इसके ऊपर मैं आलमंड डाल रही हूँ। मैंने आलमंड को हाफ काट लिया था और ये रोस्टेड आलमंड है। आलमंड से सजा लूँगी और ये लीजिए हमारा मावा केक बनके तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली अगर आप जब घी निकाल रहे हो तभी उसी के मावे से बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसमें आपको घी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मावा में खुद घी रहता है। मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा मावा केक बन के तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे घर पे ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।